आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देखने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आईपॉड शफल सेकंड जनरेशन है दोस्तों। 2006 में लॉन्च हुआ था तो ऑलमोस्ट इसको 14 इयर्स हो चुके हैं। 2009 में तो एप्पल ने इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया था और अभी तक ये चल भी रहा है। इसलिए मैं कह रहा था आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है बट अभी तक चल रहा है और 14 इयर्स ओल्ड चीज है तो ये मानना पड़ेगा काफी अच्छा इसको बनाया था एप्पल ने। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब चलते हैं एफपीपी के अंदर तो मैं आप लोगों को थोड़ा ना हाथों से करके दिखाऊंगा कि क्या है इसके अंदर तो और अच्छे से आपको दिखेगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। इसको हाथ में पकड़ते जो दो तीन चीजें इसकी फटाफट से फील हो जाती है वो होती है सबसे पहले इसकी प्रीमियमनेस। काफी प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पे है, लाइट वेट भी है और अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर देखोगे तो काफी छोटा यहाँ पे MP3 प्लेयर है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक क्लिप भी मिलता है तो यहाँ पे आप इसको अपने कपड़े के ऊपर भी लगा सकते हो, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। और यहाँ पे जो आई कैचिंग चीज़ है वो है इसका कलर, यहाँ पे जो हमें ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है काफ़ी कूल है इस MP3 के ऊपर। आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ फिजिकल बटन्स देखने को मिलते हैं जैसे वॉल्यूम रॉकर्स हो गए, आपको आगे पीछे का गाना चलाना है वो है और पॉज प्ले का बटन हमें आगे की तरफ देखने को मिलता है। अब इसको नीचे की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे हमें दो और एक्सटर्नल बटन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे तो सबसे पहला बटन है यहाँ पे हमारे पास शफल का, तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरफ कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, इस तरफ आप यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे आपके गाने अब रैंडमली शफल हो जाएंगे। जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने डाले थे गाने वो सीक्वेंस में नहीं आएंगे, अब रैंडमली शफल होके आएंगे। इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है तो यहाँ पे चल भी रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे ग्रीन लेयर आ जाती है वो भी एक काफ़ी अच्छा फीडबैक है कि यहाँ पे ये ऑन है। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें आईपॉड की ब्रांडिंग मिल जाती है, ऊपर एप्पल का लोगो है ही तो यहाँ पे ये क्लिप है। ऊपर की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है हमें हेडफोन का पोर्ट और यहाँ पे आपका स्टेटस LED। अब यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें आगे और नीचे की तरफ यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जैसे मैंने आपको बताया ये हेडफोन पोर्ट तो है ही लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे हमें पावर पोर्ट नहीं मिलता है तो एक्चुअली में ये है इसका चार्जर। तो यहाँ पे पूरा डॉक चार्जर है और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे हमें एप्पल की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये भी काफ़ी दोस्तों अच्छा है और यहाँ पे एंटी स्लिपरी बेस है तो भाई यहाँ पे ये फिसलेगा भी नहीं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये है इसको चार्ज करने के लिए इसकी पिन, तो यहाँ पे ये अंदर जाएगी ये और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे फिट देता है तो काफ़ी कूल है। आगे की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें USB टाइप सी केबल मिल जाती है तो आप अपने PC में लगा सकते हो नहीं तो अडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर आप केबल की हालत भी देखोगे तो अब लग ही जाएगा आपको कि बहुत पुराना यहाँ पे ये MP3 प्लेयर है। एप्पल के आईपॉड की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला आईपॉड था जो कि इतना छोटे फॉर्म फैक्टर के साथ उन लोगों ने लॉन्च किया था। 2006 के अंदर इसके दो मॉडल निकले थे 1GB और 2GB स्टोरेज के साथ, तो मेरे पे यहाँ पे 1GB स्टोरेज वाला मॉडल और 2009 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और 2010 के अंदर आ गया था आईपॉड शफल फोर्थ जनरेशन जो कि यहाँ पे रिप्लेस हो गया था इससे और वो इतना आ गया था, ये पार्ट उन लोगों ने हटा दिया था जैसे कि आप फोटो देख सकते हो, तो आईपॉड शफल फोर्थ जनरेशन ने इसको रिप्लेस कर दिया था। भले आज के डेट में ये प्रोडक्ट आउटडेटेड है बट कंपनी के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा यहाँ पे ये है कि भाई इसका ओरिजिनल चार्जर और यहाँ पे डिवाइस दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इतने टाइम होने के बावजूद भी। लास्ट चीज में इस आईपॉड के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज भी करता आ रहा हूँ, बचपन में तो मैंने पूरे टाइम इसी से गाने सुने, तो कहना पड़ेगा भाई यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर दम है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और अभी तक ये रन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए, मैं इस पे एक दो गाने और सुन लेता हूँ, थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।